अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन 65। उसके लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है और उसको काट लिया था मैंने। अभी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली ऐड कर रही हूँ। वाइट पेपर मैं इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अदरक और लहसुन का आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं हाफ टी स्पून दोनों ऐड कर रही हूँ इसमें, ये अदरक का पाउडर और ये लहसुन का पाउडर। हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ लेमन ले लिया वो इसमें निचोड़ दूंगी मैं। 3 चम्मच मैं इसमें दही के ऐड कर रही हूँ, टेबल स्पून। इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और चिकन को भी मैं आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी मैरिनेट के लिए। आप इसे किसी बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं जिससे ये कवर होता हो। आधा घंटा हो गया, अभी मैं इसे पेपर उतार दूंगी। अभी मैं इसमें 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करूंगी। दो चम्मच मैदे के ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। नमक आप हंसते जरूर डालिएगा। अभी एक अंडा ले लूंगी, उसकी सफेदी डालूंगी, जर्दी नहीं डालूंगी। देखें, अभी ये देखें जर्दी को मैंने इस तरह अंदर ही रहने दिया। अभी मैं इसे साइड पे रख दूंगी और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूंगी अच्छे से। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने गरम कर लिया, अभी मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, वरना ये जल सकता है, अंदर से नहीं पकेगा। अभी मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। चिकन को आप आधा आधा करके फ्राई करिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर होता है और ये चिपक भी सकता है। 15 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूंगी। चिकन ब्राउन हो गया, अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपना बाकी का भी चिकन तैयार कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, ये देखें इस तरह का कलर आना चाहिए तो ही फिर चिकन हमारा फ्राई होता है। अभी हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। 1/4 कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, इसको भी हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरे को हम हल्का सा भून लेंगे। 5 मैंने ग्रीन चिलीज ले लिए और उसको इस तरह से काट लिया, दरमियान से 2 पीसेस कर लिए वो इसमें डालूंगी। अभी इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप एक टमाटर ले लें और उसे ग्राइंड करके डाल लें। लो फ्लेम पे आपने ये सारी चीजें डालनी है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे मसाला। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। फूड कलर मैंने रेड ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया वो इसमें ऐड करूँगी। अभी इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। पहले मैंने फ्लेम को लो रखा था, अभी मीडियम टू लो क्योंकि पानी ऐड किया है। मसाला तैयार हो गया है, अभी मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी जो हमने तैयार कर लिया था। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने से चिकन 65 हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी।
और इसमें धनिया ऐड करूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। चिकन 65 हमारा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।